नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए आया हूँ ऐसे छोटे छोटे शब्द जिनको हम अपनी रोजाना लाइफ में बोलते ही हैं। दोस्तों, हम इंग्लिश कोचिंग जाकर इंग्लिश ग्रामर का तो ज्ञान ले लेते हैं, लेकिन हम उस इंग्लिश के वर्ड की प्रैक्टिस कहाँ करें, हमें कोई प्रैक्टिस करने वाला नहीं रहता। इस वजह से हम इंग्लिश बोलने में थोड़ी सी कठिनाई महसूस करते हैं, मतलब थोड़ा सा झिझक महसूस करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम इंग्लिश की प्रैक्टिस किसके साथ करें, हमारे साथ कोई बोलने वाला नहीं है। तो मैं उसी को ध्यान में रखते हुए आज का ये वीडियो तैयार किया हूँ। दोस्तों, इसमें मैंने 100 ऐसे छोटे छोटे शब्द को लिया है जो हम अपनी रोजाना लाइफ में बोलते ही हैं, तो क्यों ना हम इन शब्दों को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं ये सीखें। तो दोस्तों, प्लीज़ आप इस वीडियो पर एंड तक बने रहिए, जिससे रोजाना बोले जाने वाले जो वाक्य हैं उसको अंग्रेजी में कैसे बोलते हैं ये आप आसानी से बोलना सीख जाएंगे। तो दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब मैं इन शब्दों को हिंदी में बोलूं तब आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का प्रयास कीजिए। यदि आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और इसको आप यदि इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पाते तो मैं इसका इंग्लिश तो बताऊँगा ही। तो चलिए, देर नहीं करते, देखते हैं इस वीडियो को और सीखते हैं उन छोटे छोटे शब्दों को जो हम अपनी रोजाना लाइफ में बोलते ही हैं। मुझे बताओ, हम किसी को कहते हैं ना, मुझे बताओ क्या हुआ। अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, टेल मी व्हाट हैपेंड। टेल मी व्हाट हैपेंड मतलब मुझे बताओ क्या हुआ। उससे पूछो, कभी कभी कोई बात को हम कहते हैं ना किसी को, उससे पूछो। अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आस्क हिम। आस्क हिम मतलब उससे पूछो। एक मिनट रुको, हम कभी किसी को कहते हैं ना कि एक मिनट रुको यार, अब उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, वेट अ मिनट। वेट अ मिनट मतलब एक मिनट रुको। फिर सोचो, कभी कभी हम किसी को बोलते हैं ना, एक बार फिर सोच लो, मतलब फिर सोचो। आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, थिंक अगेन। थिंक अगेन मतलब फिर सोचो। मुझे तुम्हारी परेशानी बताओ, कभी कभी कोई दोस्त हमारा एकदम परेशान रहता है तो हम उसको कहते हैं मुझे तुम्हारी परेशानी बताओ, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, टेल मी योर डिफिकल्टी। टेल मी योर डिफिकल्टी मतलब मुझे तुम्हारी परेशानी बताओ। इधर आओ, कभी कभी हम किसी को बोलते हैं ना इधर आओ या फिर यहाँ आओ, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, कम हियर। कम हियर मतलब यहाँ आओ या फिर इधर आओ। यहाँ बैठो, सीट हियर। सीट हियर मतलब यहाँ बैठो। यहाँ रुको, स्टॉप हियर। स्टॉप हियर मतलब यहाँ रुको, कभी कभी हम किसी को बोलते हैं ना यहीं रुको, यहाँ रुको मतलब स्टॉप हियर। मेरी बात सुनो, कभी कोई हमारी बात नहीं सुनता तो हम उसको बोलते हैं ना मेरी बात सुनो। लिसन टू मी, लिसन टू मी मतलब मेरी बात सुनो। अब जाओ, गो नाउ। गो नाउ मतलब अब जाओ। खिड़की खोलो, ओपन द विंडो। ओपन द विंडो मतलब खिड़की खोलो। खिड़की को बंद करो, क्लोज द विंडो। क्लोज द विंडो मतलब खिड़की को बंद करो। कृपया मेरी सहायता करें, प्लीज हेल्प मी। प्लीज हेल्प मी मतलब कृपया मेरी सहायता करें या फिर कृपया मेरी मदद करें। प्लीज हेल्प मी। वहां जाओ, गो देयर। गो देयर मतलब वहां जाओ। वहां खड़े रहो, स्टैंड देयर। स्टैंड देयर मतलब वहां खड़े रहो। उसे कुछ तो कहो, से समथिंग टू हिम। से समथिंग टू हिम मतलब उसे कुछ तो कहो, से समथिंग टू हिम। साफ बोलो, स्पीक क्लियरली। स्पीक क्लियरली मतलब साफ बोलो। ध्यान से सुनो, लिसन केयरफुली। लिसन केयरफुली मतलब
ध्यान से सुनो, शीघ्र उत्तर दो, आंसर क्विकली, आंसर क्विकली मतलब शीघ्र उत्तर दो, शांत रहो, कीप क्वाइट, कीप क्वाइट मतलब शांत रहो, मुझे सीधा जवाब दो, गिव मी स्ट्रेट आंसर, गिव मी स्ट्रेट आंसर मतलब मुझे सीधा जवाब दो, मत जाओ, डोंट गो, डोंट गो मतलब मत जाओ, मत आओ, डोंट कम, डोंट कम मतलब मत आओ, यहां मत आओ, डोंट कम हियर, डोंट कम हियर मतलब यहां मत आओ, फिर से यहां मत आना, डोंट कम हियर अगेन, डोंट कम हियर अगेन मतलब फिर से यहां मत आना, चिल्लाओ मत, डोंट शाउट, डोंट शाउट मतलब चिल्लाओ मत, हंसो मत, डोंट लाफ, डोंट लाफ मतलब हंसो मत, जल्दी मत करो, डोंट हरी, डोंट हरी मतलब जल्दी मत करो, डरो मत, डोंट फियर, डोंट फियर मतलब डरो मत, मुझे कुछ भी मत बताओ, डोंट टेल मी एनीथिंग, डोंट टेल मी एनीथिंग मतलब मुझे कुछ भी मत बताओ, मुझे दोष मत दो, डोंट ब्लेम मी, डोंट ब्लेम मी मतलब मुझे दोष मत दो, ऐसा मत समझो, डोंट थिंक सो, डोंट थिंक सो मतलब ऐसा मत समझो, निराश मत हो, डोंट गेट डिसअपॉइंटेड, डोंट गेट डिसअपॉइंटेड मतलब निराश मत हो, मुझे झूठी बातें मत बताओ, डोंट टेल मी लाइज, डोंट टेल मी लाइज मतलब मुझे झूठी बातें मत बताओ, अब विषय मत बदलो, डोंट चेंज द सब्जेक्ट नाउ, डोंट चेंज द सब्जेक्ट नाउ मतलब अब विषय मत बदलो, उन तारों को हाथ मत लगाओ, डोंट टच दोस वायर्स, डोंट टच दोस वायर्स मतलब उन तारों को हाथ मत लगाओ, मेरी चिंता मत करो, डोंट वरी अबाउट मी, डोंट वरी अबाउट मी मतलब मेरी चिंता मत करो, गुस्सा मत हो, डोंट गेट एंग्री, डोंट गेट एंग्री मतलब गुस्सा मत हो, यह आम मत खाओ, डोंट ईट दैट मैंगो, डोंट ईट दैट मैंगो मतलब यह आम मत खाओ, भूलो मत, डोंट फॉरगेट, डोंट फॉरगेट मतलब भूलो मत, दौड़ो मत, डोंट रन, डोंट रन मतलब दौड़ो मत, मेरे पास मत आओ, डोंट कम नियर मी, डोंट कम नियर मी मतलब मेरे पास मत आओ, जमीन पर मत बैठो, डोंट सिट ऑन द फ्लोर, डोंट सिट ऑन द फ्लोर मतलब जमीन पर मत बैठो, मुझे मत सिखाओ, डोंट टीच मी, डोंट टीच मी मतलब मुझे मत सिखाओ, कभी कभी हम किसी को बोलते हैं ना मुझे मत सिखाओ, डोंट टीच मी मतलब मुझे मत सिखाओ, समय बर्बाद मत करो, डोंट वेस्ट द टाइम, डोंट वेस्ट द टाइम मतलब समय बर्बाद मत करो, मेरी मदद मत करो, डोंट हेल्प मी, डोंट हेल्प मी मतलब मेरी मदद मत करो, क्या बात है, व्हाट इज द मैटर, व्हाट इज द मैटर मतलब क्या बात है, मुझे यह पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक इट, आई डोंट लाइक इट मतलब मुझे यह पसंद नहीं है, यह झूठी बात है, इट इज फॉल्स, इट इज फॉल्स मतलब यह झूठी बात है, यह सच्ची बात है, इट इज ट्रू, इट इज ट्रू मतलब यह सच्ची बात है, मुझे लंबी चौड़ी बातें पसंद नहीं, आई डोंट लाइक टॉल टॉक, आई डोंट लाइक टॉल टॉक मतलब मुझे लंबी चौड़ी बातें पसंद नहीं, मुझे थोड़ा पानी दो, गिव मी सम वाटर,
गिव मी सम वाटर मतलब मुझे थोड़ा पानी दो, रुको स्टॉप स्टॉप, रुको उसे रोको स्टॉप हिम, स्टॉप हिम मतलब उसे रोको, यहाँ रुको स्टॉप हियर, स्टॉप हियर मतलब यहाँ रुको, मैंने कहा रुको आई से स्टॉप, आई से स्टॉप मतलब मैंने कहा रुको, ये लो टेक इट, टेक इट मतलब ये लो यह लो, टेक दिस, टेक दिस मतलब यह लो, बाहर इंतजार करो वेट आउटसाइड, वेट आउटसाइड मतलब बाहर इंतजार करो, यहाँ प्रतीक्षा करो वेट हियर, वेट हियर मतलब यहाँ प्रतीक्षा करो, तुरंत जाओ गो एट वंस, गो एट वंस मतलब तुरंत जाओ, सीधे जाओ गो स्ट्रेट, गो स्ट्रेट मतलब सीधे जाओ, चले जाओ गो अवे, गो अवे मतलब चले जाओ, सुनो लिशन, लिशन मतलब सुनो, धीरे चलो वॉक स्लोली, वॉक स्लोली मतलब धीरे चलो। दोस्तों यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए।